देखिए हमारे ओर से और बिहार सरकार और नीतीश जी के ओर से हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि लोगों को तकलीफ ना हो और बेहतर इंतजाम जो है किया जाए, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, घाटों की सफाई की बात हो, शहर की सफाई की बात हो या सौंदर्यीकरण की बात हो, हम लोगों की पूरी कोशिश रही है। अब लोग अगर सेटिस्फाई हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। छठ में तो लोग जानते ही हैं, बिहार में जो लोग बाहर रहते हैं, बिहार के लोग दूसरे राज्यों में, वो सब वापस बिहार आते हैं, तो एक जो आबादी भी जो है वो भी बढ़ जाती है। उन सब चीज़ों का जो है ख्याल जो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में रखने का काम किया है और कोशिश है कि लोगों को और बेहतर इंतजाम अगले साल और दें। अभी तो 2 महीने ही कुछ दिन हुए हैं, तो 3 महीना भी ढंग से पूरा नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों की कोशिश है कि हर फील्ड में, हर सेक्टर में सुधार करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दें, ताकि बिहार के लोगों को कहीं और बाहर कोई चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया है उसको हम लोग पूर्ण ज़रूर करेंगे और जल्दी करेंगे और उस दिशा हम लोग काम भी कर रहे हैं, वो आप लोग सब लोग देख सकते हैं, वो तो विजिबल है। हम लोग झूठ बोलने वाले लोग नहीं है, कमिटमेंट हम लोग पूरा करते हैं। और छठ में जितने लोग आए हैं और लोगों का फीडबैक भी काफ़ी अच्छा आ रहा है कि इस बार व्यवस्था हो या हर एक चीज़ हो, हर एक चीज़ों की निगरानी भी की जा रही है और लोग खुश भी हैं। गुजरात के मोरबी में कल एक बहुत हुई है। गुजरात के मोरबी में जो दुर्घटना हुई है, मेरे ख्याल से पुल टूटने से कई लोग जो हैं नदी में गिरे हैं और कई लोगों लापता हैं जिनकी, और कई लोगों की डेड बॉडी जो है वो रिकवर की गई है। बहुत ही दुखद है, हम लोग इस खबर को सुनकर के मर्माहत है। एक बहुत बड़ी संख्या 200-300 से भी ज्यादा लोग जो है शायद नदी में गिरने की बात आई है और अब तक तो आंकड़ा लगभग 100 के पार बताया जा रहा है जिनकी दुर्घटना में मौत हुई है। लोगों की यही कामना है कि भाई जो लोग लापता हैं वो लोग सुरक्षित हैं वो मिले, और जो लोग नहीं हैं अब उनसे ईश्वर उन पे कृपा करें, उनकी आत्मा को शांति दे। हमारी पूरी संवेदना उनके प्रति है।